हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का QR कोड कैसे क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और QR कोड जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अभी जो कस्टम URL है वो मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। लाइक अभी अगर आप यूट्यूब, ठीक है, YouTube/ अगर आपका चैनल का नाम सर्च करते हो, तो दोस्तों अभी जो है आपको वो जो कस्टम URL है वो आपको नहीं मिला है। तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ना ही सिचुएशन में आप अपने चैनल के लिए, YouTube चैनल के लिए जो है QR कोड जो है आप क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, उसको करना कैसे है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सभी ओरिजिनल वीडियो मिलेंगे, कोई भी कॉपी पेस्ट वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो बस यार, आज के लिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कर लें। और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस वाले वेबसाइट से आप बना सकते हो अपना यूट्यूब चैनल के लिए QR कोड। तो जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे URL, टेक्स्ट, ईमेल, फ़ोन, SMS वगैरह वगैरह यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बाकी जो है आप खुद देख लेना, लेकिन अभी जो है मैं आपको URL के थ्रू से आप जो है अपना QR कोड क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो टेक्स्ट से भी कर सकते हो, ईमेल आपका जो जीमेल आईडी है उससे भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है उससे भी आप कर सकते हो, है ना। तो दोस्तों, हम लोग प्राइवेसी के लिए चलिए कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा टेक्निकल चैनल का जो कोड है उसको, हम URL कोड उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये एक बार आपका अगर ये QR कोड जनरेट हो जाता है ना, तो अगर आप कोई भी QR कोड स्कैनर से इसको स्कैन कीजिए, जैसे स्कैन करते हो आप करने के साथ साथ ही आप उस दूसरे वाले बंदे के मोबाइल फ़ोन पे जो है आपका यूट्यूब चैनल का लिंक आ जाएगा। तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा गो टू वेबसाइट, अगर जैसे ही वहाँ पे गो टू वेबसाइट में क्लिक करोगे तो दोस्तों वो आपको जो है आपका यूट्यूब चैनल पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये है एक बेनिफिट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप चाहो तो आप नीचे दिए गए लोगों को भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप जो है अपना जो लोगो है YouTube चैनल का आप उसे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला लोगो, और यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो आप जैसे ही वेबसाइट ओपन कर लोगे ना, आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे काम करेगा, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है अपलोडिंग के लिए। तो जैसे अपलोडिंग हो जाता है, वहाँ पे नीचे जो एक ऑप्शन मिलता है ना, रिमूव बैकग्राउंड इमेजेस, जो भी आपका जो अगर PNG में अगर उसको आप क्लिक करते हो तो आपका जो लोगो है वो PNG में सेट हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद सब कुछ फिट सेट होने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे नीचे आना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको लोगोस मिल जाएंगे, आप चाहो तो लोगो ऐड कर सकते हो। इसके जो कलर्स है, आपका QR कोड का कलर्स भी यहाँ से चेंज करते हो, तो आपकी मर्ज़ी, आप अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसी कलर से निकाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए साइज है ना, QR कोड की जो साइज़ है आप यहाँ से भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, और इसको बड़ा भी बना सकते हो, जो आपके हिसाब से आप यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये अपलोडेड हो जाता है मेरा लोगो। तो अपलोडेड होने साथ साथ यहाँ पर देखिए मिडल पे आ गया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड PNG करके आप इस QR कोड को डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो कोड है वो आपका PNG में सेट हो जाए। तो अगर दोस्तों आप किसी के भी कोई भी स्कैनर से आप इसको स्कैन करके देखते हो ना, QR कोड स्कैनर से, तो जैसे स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका जो URL लिंक है उसमें कन्वर्ट कर देगा, और वो लिंक के थ्रू से वो जो दूसरा वाला व्यक्ति है, जो बंदा है, वो आपके चैनल पर डायरेक्ट विजिट कर सकता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही, उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा। तो बस यार, बाय।